तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरे इस चैनल पर आईफोन की ये फर्स्ट वीडियो होने वाली है। तो मेरे भाई ने ही रिसेंटली आईफोन परचेस किया है, फिर भी इतने अच्छे से हेडशॉट नहीं लग रहे थे। तो मैंने क्या सेटिंग अप्लाई की जिससे कि मेरे इतने अच्छे हेडशॉट लगना शुरू हो गए, तो इस वीडियो में उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं हम इन गेम सेंसिटिविटी में, देन आपको जनरल को 95 से 100 के बीच में ही रखना है, आपको इसको बढ़ाना नहीं है। तो भाई लोग, अगर आप उसको बढ़ा दोगे तो अच्छे से गेम प्ले नहीं होगा। तो आप देख सकते हो कितने अच्छे से हेडशॉट लगना शुरू हो गए हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि बस इतनी सी सेटिंग करने के बाद आपका हेडशॉट लग सकता है, तो नहीं यार, आपको फ़ोन की कुछ सेटिंग भी करनी होगी। तो अब चलते हैं सीधा फ़ोन की सेटिंग की तरफ। आ चुके हैं फ़ोन की सेटिंग की तरफ, जाना इसको नीचे से स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको जाना है एक्सेसिबिलिटी में, देन एक्सेसिबिलिटी में जाने के बाद आपको जाना है स्विच कंट्रोल। स्विच कंट्रोल में जाने के बाद आपको जाना है ऑटो स्कैनिंग। ऑटो स्कैनिंग में जाने के बाद वो रहेगा 1.0, तो उसे बढ़ा भी सकते हैं। यदि आप उसको बढ़ाएंगे तो आपकी सेंसिटिविटी और भी ज़्यादा हो जाएगी, तो मैं यही रखता हूँ। देन बैग जाना है, बैग जाने के बाद आपको जाना है लूप्स में। लूप्स में वो डिफ़ॉल्ट 4 रहेगा, तो उसको आपको ऑन कर देना है। चलते हैं उस सीक्रेट सेटिंग की तरफ जिससे कि और भी अच्छे से हेडशॉट लगा सकते हैं, तो वो है ग्लाइडिंग कर्सर। देन वो रिफाइल्ड पर रहेगा, तो उसको आपको कर देना है सिंगल। देन सिंगल करने के बाद जो स्पीड है वो आपको 100 कर देनी है। आप चाहे तो उसको बढ़ाकर 120 भी कर सकते हैं, पर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 100 ही रखें। देन उसके बाद बैग आ जाना है, बैग आने के बाद आप टच में जाना है। देन जो फर्स्ट कॉल ऑप्शन है उसको टैप करना है, देन उसके नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद सेंसिटिविटी को 100 कर देना है। सेटिंग हो चुकी है, देखा आपके हेडशॉट लगना शुरू हो जाएंगे। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ ऐसे आपको न्यू वीडियो।